लोगों का आपके चैनल एक्सेलेंस नॉलेज पॉइंट में बहुत स्वागत है। आइए हम आपका अब लाइट जो लेसन आपका 10th का चल रहा था, तो पीछे मैंने आप लोगों को इसके पहले बता दिया था कि उसमें कैसे गुली दर्पण क्या होता है, उसके लेसन सारी परिभाषाएँ हैं, इमेज क्या होती है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसको मैंने बता दिया था। अब आज मैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनती है, अब इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की 6 स्थितियाँ हो सकती हैं। देखिए, 6 स्थितियों में कौन कौन सी हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, और तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, और पांचवा जब वस्तु फोकस पर रखी हो, और छठा होता है जब फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो तो कैसा उसका फिगर बनेगा। देख रहे हैं आप, ये देखिए आपका ये अवतल दर्पण है, ये अनंत पर वस्तु रखी गई है। देखिए, ये वस्तु आपका ओए है जो अनंत पर रखी गई। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, आपको पहले बता चुका हूँ, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। इसी तरह जो प्रकाश की किरण है, जैसे इधर बी है, अब वस्तु बहुत अनंत पर है, तो बी से भी जो प्रकाश की किरण आ रही है वो भी मिरर पर पड़ रही है, ये भी परावर्तन के पश्चात जो कि मुख्य अक्ष समांतर है, देवी फोकस से होकर के जाएगी। तो इसका फिगर इसी मुख्य फोकस पर बिंदुवत रूप में बनता है। देखिए, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार का होता है। ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा बिंदु के आकार का होगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला है जब वस्तु, दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, आपका देखिए यहाँ सी दिखा है, ये आपका अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस है, ये वस्तु ये भी है, ये प्रकाश किरण ये बिंदु से चलती है तो परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और जो किरण ए से निकल करके आपको बताया गया है, जब वो प्रकाशी केंद्र से होकर के जाती है तो वो पुनः जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है पुनः परावर्तन के पश्चात वो भी फिर वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौटती है। तो ए जो वस्तु जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के परावर्तन के पश्चात जा रही है, एक दूसरे को ये बिंदु देखिए यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये फिगर बन रहा है ए डैश बी डैश, ये क्या है, यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। ये वस्तु वक्रता केंद्र सी देखिए आप क्योंकि सी पर आकर रखी हुई है, यहाँ पर सी पर जब वस्तु रखी होती है तो देखिए प्रकाश की किरण जब ए से चलेगी तो जो मुख्य अक्ष समानांतर होती है, मैं बता चुका हूँ, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के होकर के जाती है, और जो फोकस से होकर के जाती है वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आके यहाँ काटती हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आके काटती है। तो ये जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है ए डैश बी डैश, वो बिल्कुल उल्टा होता है, बस के बराबर होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है, आकार का बनता, आकार के बराबर होता है, ठीक है, आकार के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए आपका चौथा है, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब देखिए इस तरह बनता है। जब किरणें ए से चलती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है, जो इसके फोकस से होकर के जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। एक किरणें देखिए यहाँ पर काट रही हैं सी के इधर, यानी आपका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है,
प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए पांचवा है, जब वस्तु फोकस एफ पर हो, जब वस्तु फोकस देखिए एफ पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए ए एफ वस्तु रखी हुई है फोकस पे, ए से प्रकाश की किरणें चलती हैं और डी से होकर के फिर पुनः जो मुख्य के समानांतर जाती है वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर गुजरती है, और जो ए से निकलती है इस तरह से ऊपर लंबवत पड़ती है वो फिर क्या होता है आपके इधर वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और वो कहीं अनंत पर जाकर के मिलती है। तो इस तरह जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट, जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच रखी हो, सिक्स है, देखिए वस्तु एफ और आपका ध्रुव पी है, पी के बीच रखी हुई है, तो जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो जो ये होती है जो किरण मुख्य अक्ष समांतर होती है वो एफ से होकर के जाती है और जो लंबवत पड़ती है वो आपके वक्रता केंद्र से होकर के निकलती है। तो ये अनंत पर जाती हैं, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है जिसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाइए आप, डॉटेड लाइन है और इस लाइन को आगे इस रेस को ले जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये काटती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब पीछे की तरफ क्या है, दर्पण से पीछे की तरफ बना वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह आपके सिक्स पोजीशन में रख करके हम विभिन्न वस्तुओं को किसी दर्पण में अवतल दर्पण में कैसे कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगला है कि अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों के रूप में करते हैं। दाढ़ी बनाने के जो आपके घर में मिरर होते हैं उसमें अधिकतर अवतल दर्पण लगाया जाता है जिससे हमें अपना चेहरा बड़ा दिखाई दे। इसके बाद देखिए दो, डॉक्टर मरीजों के दांत नाक कान तथा गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नंबर तीन, अवतल दर्पणों का प्रयोग टार्च सर्च लाइट मोटर कारों तथा रेलवे इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए आप अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अवदृश्यक के रूप में होता है। पांचवा है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इस तरह आपका देखिए मैंने अवतल दर्पण से विभिन्न स्थानों पर रख करके उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको बता दिया, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है मैंने इसको बता दिया। अब अगले सेशन में मैं आप लोगों को उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे की स्थितियों के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो को सही ढंग से आप लोग देखिएगा पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगले आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके और घर पर बैठ कर ही अपने कोर्स की तैयारी कर सकें क्योंकि इसमें लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसलिए आप लोग घर पर बैठ कर अपनी पढ़ाई पूरी करें। थैंक यू।